सो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये प्रोग्राम्स हैं जितने भी यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि में अवेलेबल हैं। आप पहले देखेंगे कि जैसे यहाँ पे आप कुल मिला के इधर टोटल 9 है, जितनी डिपार्टमेंट्स हैं हम देखेंगे इधर 9 है, और ये 1 से लेके 1 to 9 है, तो इधर टोटल 9 डिपार्टमेंट्स हैं। इसके इनके अंडर डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ योगा साइंस है। तो जो डिपार्टमेंट ऑफ योगा साइंस है उसके अंदर आप देखेंगे कि जैसे बैचलर्स के अंदर बीए योगा साइंस है, बीएससी योगा साइंस है, एमए योगा साइंस, एमएससी योगा साइंस, पीजी डिप्लोमा इन योगा साइंस एंड एट लास्ट पीएचडी इन योगा साइंस। तो जैसे कि इसमें दो कोर्सेज जो है वो बैचलर्स के हैं योगा साइंस में, और जो दो कोर्सेज हैं वो मास्टर्स के हैं। एक कोर्स पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा का है और एक पीएचडी का है। सेकंड देखिए हम तो है डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। तो ये जो सेकंड डिपार्टमेंट है वो फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स में आता है। तो इसमें आप देखेंगे बीपीईएस, दैट इज बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। तो ये जो है ये सारा बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स के अंडर ये है बैचलर्स प्रोग्राम। दूसरा जो उनका कोर्स है वो है भारतीय व्यायाम पद्धति एवं खेल। तो ये भी क्या है, इनका दूसरा कोर्स है जो इनके बैचलर इनके एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स के सेक्शन में एक आता है। फिर उसके बाद आता है डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत। डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत में इनका जो जितने कोर्सेज है वो है टोटल 9 कोर्सेज हैं। तो ये जो डिपार्टमेंट ऑफ उसमें 9 कोर्सेज हैं, उसमें जो फर्स्ट कोर्स है इनका वो है ब्रिज कोर्स। ब्रिज कोर्स का मतलब कि जो इनका बेसिक कोर्स है वो है। देन उनका सेकेंड कोर्स है आचार्य का, जो आपको गुरुकुल इन सब में आचार्य बनने की पद्धति देते हैं। फिर इनके स्टार्ट हो जाते हैं बैचलर के कोर्सेज। तो जो बैचलर का कोर्स है उसमें है संस्कृत एवं लोक साहित्य। तो इसमें संस्कृत की लैंग्वेज से रिलेटेड और उसके साहित्य उसके टेक्स्ट से रिलेटेड ये बैचलर्स का कोर्स है। जो सेकंड कोर्स है बैचलर्स का वो है शास्त्री या बीए, बैचलर्स इन आर्ट्स व्याकरण, जो उनकी ग्रामर हो गई। तो जो संस्कृत की ग्रामर है, जो उनकी शास्त्र है, उनकी ये बैचलर्स का कोर्स है। उसके बाद आता है मास्टर्स के कोर्सेज। तो मास्टर के कोर्सेज में संस्कृत की लिटरेचर और संस्कृत की ग्रामर तो दो अलग अलग हैं। एक में इसके सारे टेक्स्ट और वो हैं और दूसरे में इसकी पूरी ग्रामर और व्याकरण है। तीसरा इसका जो दूसरा कोर्स है उसमें है पीएचडी इन संस्कृत, कि आप जो डॉक्टरेट आप करेंगे कोर्स में वो संस्कृत में है। फिर एक और है इसमें मास्टर्स, जो मास्टर्स है फिलोसफी में, जो कि दर्शन होता है संस्कृत का। जो 9th कोर्स है इसमें गिवन वो है डॉक्टरेट इन लिटरेचर। तो एक है फिलोसफिकल डॉक्टर और एक है डॉक्टरेट इन लिटरेचर। तो मास्टर्स के आप देखेंगे तो 3 कोर्सेज हैं इसमें, ये संस्कृत लिटरेचर, संस्कृत ग्रामर एंड संस्कृत फिलोसफी। अगर आप हायर स्टडीज की देखेंगे तो उसमें है पीएचडी इन संस्कृत एंड बीलिट इन संस्कृत। बाकी बैचलर्स में इसमें 2 कोर्सेज हैं आपके, संस्कृत एवं लौकिक साहित्य एंड व्याकरण। और जो इनकी स्टार्टिंग कोर्सेज हैं वो उसमें है ब्रिज कोर्स एंड आचार्य का कोर्स। फोर्थ इनका डिपार्टमेंट आता है डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी। तो इसमें भी 5 आपके ये हैं आप ऑप्शंस हैं आपके। तो इसमें आते हैं आपका एक बैचलर्स का, जो कि है बैचलर्स शास्त्री ऑनर्स इन फिलोसफी। दूसरा है एमए फिलोसफी, मास्टर्स इन फिलोसफी। थर्ड है आपका पीजी डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन वैदिक दर्शन, जो इनका वेदों का, शास्त्र का, फिलोसफी का दर्शन है वो आता है पीजी डिप्लोमा। इनके 2 कोर्सेज आते हैं हायर स्टडीज के, जो है पीजीडी पीएचडी सॉरी और डीलिट। तो पीएचडी एंड डीलिट के क्या है, इनके ये हायर कोर्सेज हैं। हम नीचे आके देखें हमारे अदर डिपार्टमेंट्स जो है वो है डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, साइकोलॉजी का डिपार्टमेंट। तो इसमें सिर्फ 2 ही कोर्सेज अवेलेबल हैं, जो कि है एक मास्टर्स का और एक हायर एजुकेशन आपका पीएचडी का। तो जो मास्टर्स के दोनों ही कोर्सेज हायर एजुकेशन में आते हैं, तो जो मास्टर्स है वो साइकोलॉजी में देते हैं और जो स्पेशलाइजेशन है वो क्लिनिकल साइकोलॉजी है। तो अगर आपको किसी और फील्ड में साइकोलॉजी का स्पेशलाइजेशन चाहिए तो आपको उसमें नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ यहाँ पे क्लिनिकल साइकोलॉजी में मिलेगा। जो इसका सेकेंड कोर्स है वो है पीएचडी, दैट इज इसका आपका पीएचडी होगा साइकोलॉजी के अंदर इसमें कोर्स। फिर उसमें आता है आपका डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म।
टूरिज्म में भी सिर्फ दो कोर्सेज अवेलेबल हैं हायर एजुकेशन के, दैट इज मास्टर्स इन ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट, कि जिसमें आपको ट्रैवल एंड टूरिज्म का पूरा मैनेजमेंट एंड सब ऑपरेशन सिखाएंगे। एंड सेकेंड कोर्स इज पी जी डिप्लोमा इन योगा हेल्थ एंड कल्चरल टूरिज्म। तो जो पी जी डिप्लोमा है वो आपको देता है योगा का, भी उसमें थोड़ा सा स्कोप और हाईलाइट आ जाता है। तो अगर आप सोचिए कि सिर्फ योगा डिपार्टमेंट में ही योगा का हाईलाइट है, तो ऐसा नहीं है। योगा हेल्थ मिलता है इसमें आपको, और कल्चर टूरिज्म के बारे में आपको इसमें मदद मिलती है। फिर आता है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस में सिर्फ एक ही कोर्स आता है, दैट इज बी एस सी ऑनर्स इन बायोलॉजिकल साइंस, जो कि न्यू कोर्स है बायोलॉजिकल साइंस में बी एस सी ऑनर्स का। इसी साल से ये कोर्स आया है 2022-2021, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर आता है डिपार्टमेंट ऑफ एलाइड एंड अप्लाइड साइंसेज, इसमें सिर्फ एक ही कोर्स आता है, दैट इज पी जी डिप्लोमा इन योगा एंड आयुर्वेदा। आप फिर से देखेंगे चाहे इसमें साइंस की ही फील्ड हो, इसमें योगा और आयुर्वेदा का टच गिवन है। तो आप ये भी एक नया कोर्स है जो 2021 में इंट्रोड्यूस हुआ है, तो आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें योगा और आयुर्वेदा आपको दोनों ही सिखाया जाएगा। एट लास्ट आता है डिपार्टमेंट ऑफ म्यूजिक, जो म्यूजिक का डिपार्टमेंट है। तो डिप्लोमा इसमें सिर्फ एक ही कोर्स है जो कि है डिप्लोमा का कोर्स है, और वो हिंदुस्तानी भारतीय म्यूजिक, जो आपका इंडियन म्यूजिक है उसमें वो आपको डिप्लोमा देंगे, जो कि एक साल के करीबन का होगा। तो ये है भारतीय म्यूजिक डिप्लोमा। अगर हम थोड़ा कोर्स की डिटेल्स में जाएं, तो ये सारी डिटेल्स हैं कोर्सेज की। जैसे कि पीएचडी में आप देख सकते हैं कि आपको पेपर वन और पेपर टू देना पड़ेगा, जो कि रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन स्टैट्स का होगा। देन उसके बाद अगर हम पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्सेज की बात करें, तो ये एमए योगा साइंस का ये एक काइंड ऑफ आउटलुक दे रखा है कि इसमें कौन कौन से कोर्सेज होंगे। जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में आप देख सकते हैं ह्यूमन बायोलॉजी होगा, भगवद गीता होगी, हठ योगा के बारे में होगा, फंडामेंटल्स ऑफ योगा होंगे, और एक कम्युनिकेटिव इंग्लिश भी कोर्स होता है। तो काफ़ी बच्चों ने पूछा था कि इंग्लिश होगा कंपलसरी या नहीं, तो ये एक कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं कि आपको कंपलसरी होता है देना, और इसके नंबर भी आपके जुड़ते हैं, तो कम्युनिकेटिव इंग्लिश आपको पढ़ना पड़ेगा। देन सेकेंड इसमें आता है आपका सेमेस्टर में फिलोसफी आता है, इंडियन फिलोसफी, योगा की साइकोलॉजी के बारे में पता चलता है, ह्यूमन बायोलॉजी होती है, योग दर्शन होता है। तो ये सारे डिफरेंट डिफरेंट इसमें आपके आ जाते हैं कंटेंट्स आपके कोर्स के। देन अगर आप थर्ड सेमेस्टर की देखें, तो थर्ड सेमेस्टर में आपका नेचुरोपैथी आ जाता है, आयुर्वेदा का इंट्रोडक्शन आ जाता है, थोड़ा सा वैल्यू एजुकेशन एंड मेथड ऑफ टीचर ट्रेनिंग आ जाता है इसमें, एंड कम्युनिकेटिव आपका इंग्लिश आप देखेंगे आपका थ्रू आउट है, कम्युनिकेटिव इंग्लिश यहाँ पर भी है, और आपका कम्युनिकेटिव इंग्लिश आपका फोर्थ सेमेस्टर में भी है। तो फोर्थ सेमेस्टर में आपका ये हाइजीन डाइट आ जाता है, न्यूट्रिशन, देन आपका कॉम्प्लीमेंट्री कैट थेरेपी होता है, योगा थेरेपी होता है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि आपका योगा प्रैक्टिकल हर किसी में होता है, योगा प्रैक्टिकल। तो योगा प्रैक्टिकल में आपको प्रैक्टिकल योगा करके दिखाना पड़ता है, योगा प्रैक्टिकल। देन उसके बाद ये आपका अगर फोर्थ सेमेस्टर की बात करें, तो फोर्थ सेमेस्टर में भी आपका कम्युनिकेटिव इंग्लिश और प्रैक्टिकल होते हैं। तो आप कुल मिला के आप समझ लीजिए कि आपके जितने भी आपका वो होता है, वो उसमें आपका ह्यूमन बायोलॉजी से लेके आपका एप्लीकेशन ऑफ भगवद गीता, स्टैट्स स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, और आपका योगा और डाइट से लेके, सब से लेके आपका आता है। देन अगर हम बात करें उस नेक्स्ट कोर्स की, दैट इज एमएससी योगा साइंस, तो एमएससी योगा साइंस में क्या होता है, आपका थेरेप्यूटिक योगा आ जाता है। कुल मिला के कोर्स सेम ही होता है, पर इसमें साइंटिफिक टच ज़्यादा आ जाता है, जैसे कि बायो मैकेनिक्स है इसमें, काइनोलॉजी एक नया सब्जेक्ट आ गया जो उसमें नहीं था, तो वो आपके थोड़े से आर्ट के सब्जेक्ट ज़्यादा फोकस्ड होते हैं, रादर देन आपके योग उसके बायोलॉजी और साइंस के सब्जेक्ट्स। तो आप देखेंगे आपका सेकेंड सेमेस्टर में आपका भगवद गीता है, योग वशिष्ठ है, पर उसके साथ ही साथ आपके साइंस के भी आपके हैं, जैसे कि आप साइंस का ले लीजिए, आपका कंटेम्प्रेरी योगा टेक्निक्स हो गई, आपका ये फिजियोलॉजिकल थोड़ा सा, जैसे मतलब इसमें टच साइंस का आपको ज़्यादा दिखेगा, जैसे आपको इसमें डिजीज स्पेसिफिक पैथोलॉजी है,
आपको वहां पे आपने कहीं पे भी डिजीज स्पेसिफिक पैथोलॉजी नहीं देखा होगा। इसमें एविडेंस बेस्ड योगा थेरेपी, तो उसमें योगा और एमएससी में साइंस का टच रहता है, और एमए योगा में आपका सिर्फ आपका योगा का ही टच होता है, साइंस का उसमें कुछ टच नहीं होता। तो उसमें आपकी एक फील्ड ट्रेनिंग भी होती है, फील्ड ट्रेनिंग मतलब आपको प्रैक्टिकल आपको लेके जाते हैं आपको उन सब में एरियाज, इंडस्ट्रियल एरियाज में, और वहाँ पे आपको प्रैक्टिकल ये सब वहाँ पे करना पड़ता है। तो फील्ड ट्रेनिंग होती है, आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं, इलेक्टिव्स में भी आपको चॉइस हो जाती है, फिर डिजीजेस के बारे में भी आपको पता चलता है एमएससी योगा में, योगा साइंस। देन उसके बाद आता है पोस्ट ग्रेजुएट का दूसरा कोर्स जो कि है हमारा एमए फिलोसफी। एमए फिलोसफी का जो कोर्स है ये भी आप देखेंगे कि इधर आपका पूरा सांख्य योग है, न्याय वैशिष्ट है, तो आपका पूरा की पूरी जो आपकी ये दर्शन होते हैं, वेदांत दर्शन, मीमांसा, योग दर्शन, सांख्य दर्शन आप देख सकते हैं, न्याय वैशेषिक, तो ये सारे आपको इसमें क्या करने पड़ते हैं, आपको इनकी डीप स्टडी करनी पड़ती है इन सब में। तो वैदिक दर्शन ये सारे आपको इसमें मिलेंगे। इसके अलावा आपको योगा का इसमें आपको कंपार्ट देखने को मिलता है। अगर आप एक और देखेंगे एमए का दूसरा कोर्स, तो एमए का आपका दूसरा जो कोर्स है वो है एमए साइकोलॉजी विद स्पेशलाइजेशन इन क्लिनिकल साइकोलॉजी। तो जो ये साइकोलॉजी का कोर्स है इसमें आप देखेंगे कि साइकोथेरेपी और जो आपके साइकिक से होगा उससे रिलेटेड होगा। जैसे आप देख रहे हैं इसमें सोशल साइकोलॉजी कैसी होती है, एक कॉग्निटिव साइकोलॉजी कैसी होती है, पॉजिटिव साइकोलॉजी, हेल्थ साइकोलॉजी, साइको पैथोलॉजी, बायोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ बिहेवियर, तो आपको उसमें सारे जो कुल मिला के आपको मिलेंगे, आपको साइकोलॉजी के सब्जेक्ट्स मिलेंगे। और योगा का टच इसमें है, पर योगा का भी जो टच है वो साइकोलॉजी के ही टर्म्स में गिवन है। तो आपको अगर मान के चलिए अगर आप एमए साइकोलॉजी विद आप क्लिनिकल साइकोलॉजी कर रहे हैं, तो आपको इसके अंदर ये सारे आपको सब्जेक्ट्स पढ़ने को मिलेंगे। तो उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट अपने उसमें कि एमए इन ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट। ये भी 2 ईयर्स का कोर्स है, और इसमें भी आप देख सकते हैं कि जितने भी आपके सब्जेक्ट्स होंगे, अगर योगा के भी कुछ सब्जेक्ट्स होंगे तो वो आपके ट्रैवल और टूरिज्म के रिलेटेड ही होंगे। तो जैसे कि आपने इधर देखा कि टूरिज्म कॉन्सेप्ट्स हैं, आपके योगा के भी कॉन्सेप्ट्स हैं, तो वो हेल्थ एंड टूरिज्म के केसेस में है। ये कोर्स तब काम आता है कि जब आप योगा भी लोगों को करवाना चाहें, और थोड़ा सा उसके साथ ही साथ एक टच आपका आपका थोड़ा टच योगा का हो, और आपका मैक्सिमम मेजर पोर्शन आपका ट्रैवल एंड टूरिज्म का मैनेजमेंट का हो। तो उसमें आप देखेंगे टूरिज्म के डिफरेंट डिफरेंट आपके आते हैं कि आप उत्तराखंड में टूरिज्म करवा सकते हैं। कंप्यूटर एप्लीकेशंस भी आती है कि इफ यू गिवन अ डेस्क वर्क देयर एट अ होटल और एंड यू वर गिवन टू मैनेज इट, तो आपको वहाँ पे मैनेज करना आता हो, आपको ट्रैवल एजेंसी के ऑपरेशंस आते हो, टूरिज्म के रिसोर्सेज पता हो इंडिया में, बिकॉज ये बेसिकली आपका फॉरन कलर टूरिज्म की जगह आपका क्या होता है, ये इंडियन टूरिज्म पे ज्यादा फोकस करता है। तो आपका टूर पैकेजिंग की आप कैसे टूर बना सकते हैं, पॉलिसी एंड प्लानिंग कैसे कर सकते हैं, डेस्टिनेशन ऑफ द वर्ल्ड, मेजर डेस्टिनेशन ऑफ वर्ल्ड में आप कैसे उनको आप अपना इंडिया का प्रमाण वो कर सकते हैं प्रमोशन, तो इसमें सारा आपका वो आता है। अगर नेक्स्ट सब्जेक्ट हम देखें तो एमए इन संस्कृत, जो कि अगेन 2 ईयर्स की है मास्टर्स में, तो उसमें आप देखेंगे वैदिक संगीताएं आ रही हैं, फिर आपके उसके बाद आ रहे हैं इसमें काव्य नाटक, तो उसमें आपका बेसिकली आपका संस्कृत साहित्य इन सबसे आपका रिलेटेड ही हुआ सारा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि आपका क्या क्या आ रहा है, आपका आ रहा है गद्य पद्य काव्य एवं व्याकरण, तो ये सारे गद्य पद्य आपके क्या होते हैं संस्कृत के आपके पैराग्राफ पैसेजेस हो गए, ये सब होते हैं। देन काव्य शास्त्र पोएटिक आपके संस्कृत पोएम्स, देन आपके नाट्य आपके संस्कृत के एक्ट्स और स्क्रिप्ट प्लेज, फिर व्याकरण भी आती है संस्कृत की, इसमें उपनिषद का भी है क्योंकि संस्कृत हमारी वैदिक लैंग्वेज है, हमारी शास्त्रों की भाषा है, तो आपको उसमें शास्त्र का भी नॉलेज होनी चाहिए, आपको धर्म शास्त्र हो गया, अर्थशास्त्र, आयुर्वेदा, तो ये सारा आपको पूरे एक ओवरऑल व्यू देगी आपको संस्कृत लैंग्वेज के बारे में और उसके हमारी डीप रूट जो इंडिया में है। एम ए इंग्लिश का भी इसमें कोर्स है, जैसे आप देख सकते हैं कि इंग्लिश में भी है, तो इंग्लिश में आपका क्या है वुमेन राइटिंग पे, अमेरिकन लिटरेचर पे आता है आपका आपका उसके अंदर आता है, और ये आपका आता है लिटरेचर इन इंग्लिश आता है, लिटरेचर आपके सारे लिटरेचर्स हैं फ्रॉम अ टाइम पीरियड, गिवन टाइम पीरियड है कि 1550 से लेके 2000 तक अप टू डेट है ये, और इसमें आपके फिर फॉरन आपको जब लेटर सेमेस्टर में आपको फॉरन के बारे में बताते हैं, अमेरिकन लिटरेचर हो गया, इंडियन राइटिंग्स हो गई,
और क्रिटिसिजम्स हो गई, अमेरिकन लिटरेचर के फिर पार्ट्स हो गए, इसमें डिसर्टेशंस हो गई, तो ये आपके सारे मास्टर्स के कोर्सेज के अंदर आते हैं। फिर आप बात करें संस्कृत एमए इन संस्कृत व्याकरण, तो ये व्याकरण पे मतलब इसकी ग्रामर पे ही इसका मेन फोकस होगा। तो आप देखेंगे जैसे एक लैंग्वेज में ए बी सी डी करके लेवल्स होते हैं, ए लेवल, बी लेवल, B1, B2, तो ऐसे ही इसमें संस्कृत में आपके लेवल्स हैं ए बी सी डी। देन आपके साहित्य, आपके साहित्य टेक्स्ट भी आ जाते हैं व्याकरण के साथ साथ, क्योंकि वो टेक्स्ट पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो आपके देखेंगे आप फ्रॉम फर्स्ट सेमेस्टर टिल फोर्थ सेमेस्टर आगे सारे संस्कृत के इसमें व्याकरण ही है, और उसमें डिफरेंट डिफरेंट इसके लेवल्स हैं। देन हम अब बात करें, हम आते हैं अपने पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा जो नेक्स्ट कोर्स होता है, तो इसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहले आता है योगा एंड आयुर्वेदा। तो ये जो डिप्लोमा के कोर्सेज होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट के कोर्सेज होते हैं, और जो पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा में फ़र्क यही होता है कि पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा 1 ईयर की होती है, कि जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, और जो मास्टर्स के कोर्सेज होते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्सेज होते हैं वो 2 ईयर्स के होते हैं, दैट इज मास्टर कोर्सेज। तो हम उसको दोनों होते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन है, पर एक होता है डिप्लोमा और एक होता है मास्टर्स। तो मास्टर्स 2 ईयर्स एंड डिप्लोमा इज जस्ट फॉर 1 ईयर। तो ये जो कोर्स है योगा एंड आयुर्वेदा का डिप्लोमा में, वो एक नया कोर्स है, इसी 2021 में ही ये आया है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ 2 सेमेस्टर का कोर्स है, और इसमें जो आपके वो है प्रिंसिपल्स ऑफ आयुर्वेदा की, जैसे योगा और आयुर्वेदा का इसमें एक बैलेंस और कॉम्बिनेशन है, फार्माकोथेरेप्यूटिकल साइंस है, डाइट एंड न्यूट्रिशन के बारे में आपको बताएंगे, साथ ही साथ इसमें योगा का प्रैक्टिकल और आयुर्वेदा का भी दोनों में प्रैक्टिकल होगा। आप देख सकते हैं कि इसमें एक बेसिक इंट्रोडक्शन एक दे रखा है योगा और आयुर्वेदा का। अगर आप सेकेंड उसमें देखेंगे तो इसमें आपको थोड़ा डिटेल्ड में आपको योगा और आयुर्वेदा का रखा है। तो जैसे हेल्दी लिविंग हो गई आपकी बेसिक्स, कि आपके स्वस्थ वृत्त, सद वृत्त आपके क्या होते हैं आयुर्वेदा के हिसाब से, आपके मेडिसिनल हर्ब्स जैसे अश्वगंधा, मुलेठी, रीठा, आंवला, ये सारे जो होते हैं हर्ब्स उनके बारे में स्टडी करवाते हैं। योगा एंड नेचर क्यों होता है कि आप नेचुरोपैथी इसमें आ जाता है, कि आप नेचुरोपैथी की मदद से योगा कैसे आप इनकलकेट करवा सकते हैं हेल्थ और होलिस्टिक हीलिंग में। फिर आता है कॉम्प्लीमेंट्री ऑल्टरनेटिव थेरेपीज, कि आप कौन सी और जो आप योगा के अलावा दे सकते हैं, जैसे कि एक्यूप्रेशर हो गई, एक्यूपंचर हो गई, आपका मरम चिकित्सा हो गई, नेचुरोपैथी हो गई, आपकी आपकी मेंटल साइकोलॉजिकल थेरेपीज हो गई, कॉग्निटिव थेरेपीज हो गई, तो उसमें आपकी अदर थेरेपीज आ जाती हैं। इसमें फिर आपका पैथोलॉजिकल प्रैक्टिकल भी होता है, जैसे आप देखेंगे एक साइंस का ही अप्लाइड साइंस के अंदर था कोर्स, उसमें डिजीज स्पेसिफिक पैथोलॉजी भी है, कि आपको पता होनी चाहिए कि कितनी क्या डिजीज है, किस हिसाब से प्रैक्टिकल है, फिर पैथोलॉजी है उसके अंदर, एंड प्रोजेक्ट वर्क है क्लास के अंदर। तो ये सारी चीज़ें हमारी योगा एंड आयुर्वेदा के कोर्स में आ जाती हैं। तो जब अगर हम सेकेंड उसकी बात करते हैं योगा एंड आयुर्वेदा के बाद हम अपने दूसरे कोर्स की बात करते हैं, तो दूसरे कोर्स हमारा आ जाता है इसके अंदर, फिर आप देखेंगे जो हमारा नेक्स्ट पीजी डिप्लोमा का कोर्स है वो है योगा साइंस का। तो जो योगा साइंस का ये कोर्स है ये भी आपका 2 सेमेस्टर्स का है, तो उसमें आप देखेंगे कि आपके योगा के फंडामेंटल्स के बारे में बताते हैं, हठ योगा इसमें आता है। तो अगर आप देखेंगे कि जो योगा साइंस मास्टर्स और पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा में जो फ़र्क है वो इतना ही फ़र्क है कि जो उनके कुछ डिटेल काफ़ी डिटेल में है कोर्सेस, और जो योगा साइंस है उसमें वो 1 ईयर में ही उन्होंने पूरा उसका एक काइंड ऑफ कंक्लूजन और पूरा उसका एक शॉर्ट टर्म कोर्स बना के उसको फुलफिल कर रखा है। तो जैसे इसमें देखेंगे आपको हठ योगा के बारे में है, भगवत गीता, सांख्य दर्शन के बारे में है, ह्यूमन बायोलॉजी है, इंग्लिश कम्युनिकेशंस है, फंडामेंटल्स ऑफ योगा है। तो ये सारे सब्जेक्ट्स आपके एमए योगा में भी है, पर पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा में आपके कम टाइम में ज़्यादा चीज़ वो दे रहे हैं। तो आप जैसे कि देखेंगे पतंजलि योग दर्शन है, योगा थेरेपी है, कॉम्प्लीमेंट्री ऑल्टरनेटिव थेरेपीज है, हाइजीन, डाइट एंड न्यूट्रिशन है। तो आप देखेंगे कि ये पतंजलि दर्शन है सेकेंड सेमेस्टर में, योगा थेरेपी है, हाइजीन, डाइट एंड न्यूट्रिशन, तो ये सारे के सारे आपके जो वो हैं कोर्सेज एमए के ही हैं, पर ये सिर्फ 1 ईयर में आपको इतने ही कोर्सेज इन्होंने प्रोवाइड करवा रखे हैं। तो आपके ये सेम कोर्सेज वहाँ पे भी हैं। अगर हम नेक्स्ट पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा की बात करें तो हमारा आता है योगा हेल्थ एंड कल्चर टूरिज्म में। तो उसमें भी आप देखेंगे कि आप कि सारे जो कोर्सेज हैं वो आपके हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट और टूरिज्म से रिलेटेड हैं, आपकी थेरेपी योगा थेरेपी गिवन है, आपका टूरिज्म की थ्योरी गिवन है, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट है, फंडामेंटल्स और बेसिक्स ऑफ योगा, हठ योगा भी है आपका। तो इट्स लाइक अ पैकेज ऑफ टूरिज्म एंड
आपका आप कह सकते हैं हेल्थ है, जैसे योगा आयुर्वेदा में आपको योगा और आयुर्वेदा का मिक्सचर मिलेगा, वैसे ही आपको हेल्थ टूरिज्म कल्चर में आपको योगा प्लस आपको टूरिज्म का पूरा आपको नॉलेज और एक वो मिलेगा। देन उसके बाद ये हैं तीन चार कोर्सेज जो पोस्ट ग्रेजुएशन में आते हैं। देन एक आपका पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन वैदिक साइंस भी है, तो आप देखेंगे वैदिक दर्शन में आपका क्या है, सांख्य कार्य का है। तो जो आपका वेद आते हैं, जितने भी वेद हैं हमारे, जैसे कि हमारा ऋग वेद हो गया और ये जो वेद है साम वेद है, तो आपके इससे सारे रिलेटेड आपके जितने भी स्ट्रक्चर होंगे प्लस आपके जितने भी दर्शन है आपके क्या है, ये वैदिक दर्शन के बारे में। तो दर्शन हमारे 6 दर्शन होते हैं सारे, तो उसका एक काइंड ऑफ ये एक सार है, कंक्लूजन आप कह सकते हैं 1 ईयर का। तो 1 ईयर के कोर्सेज में आपके ये सारे क्या होते हैं, शॉर्ट कोर्सेज होते हैं, बट दे प्रोवाइड यू विद अ लॉट ऑफ एजुकेशन एंड नॉलेज। तो ये दर्शन ये सारे आ जाते हैं हमारे पीजी डिप्लोमा में। तो उसमें आप देखेंगे संस्कृत की व्याकरण है, संस्कृत का साहित्य है, वेदांग है, वैदिक साहित्य है हमारे जो कि भगवत गीता हो जाती है, पुराण हो जाते हैं, उपनिषद हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें हमारी वैदिक दर्शन में आएंगी पीजी डिप्लोमा में। चलिए अब देखते हैं कुछ बैचलर्स के कोर्सेज। तो आप बैचलर्स के कोर्सेज में देख रहे हैं कि पहला कोर्स जो है वो योगा साइंस का है, बैचलर्स इन योगा साइंस। तो जो आप बैचलर्स का कोर्स देखेंगे 3 ईयर्स का होता है, तो 3 ईयर्स में आपके समझ लीजिए 6 सेमेस्टर, और 6 सेमेस्टर में आपका सारा जितना भी योगा साइंस का डिटेल है वो आपको मिलेगा, डेप्थ में डिटेल मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि इधर हट योगा है, योगा है, कल्चर टूरिज्म भी, इसमें सारे सब्जेक्ट्स का एक काइंड ऑफ आपको एक आउटलुक देते हैं। चाहे योगा आयुर्वेदा है तो उसका उसमें कंटेंट होगा, अगर हेल्थ टूरिज्म है तो उसका कंटेंट होगा, अगर साइकोलॉजिकल योगा है तो उसका कंटेंट होगा, वैदिक दर्शन है तो उसका कंटेंट होगा, बिकॉज इट्स अ 3 ईयर कोर्स विच इज अ लॉन्ग वन। तो इसमें आपको सारे के सारे आपको एस्पेक्ट्स मिलेंगे, जैसे आपको साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट मिल रहा है, आपको हठ योगा का मिल रहा है, इवन संस्कृत का भी आपको इधर देखने को मिल सकता है, आपको शास्त्र का देखने के लिए मिल रहा है, आपको इधर टूरिज्म का भी आपको मिल रहा है देखने के लिए। आप नेक्स्ट देखेंगे फिलोसफी है, इधर भगवत गीता है, इधर सारे जो इधर आपको सबका एक मिला जुला एक पोर्शन आपको इधर देखने को मिलेगा। तो आप थर्ड सेमेस्टर देखेंगे तो साइकोलॉजिकल है, फिर से टूरिज्म है, ह्यूमन बायोलॉजी है, आयुर्वेदा का इसमें गिवन है, जैसे कि मैंने बताया इंग्लिश कम्युनिकेशन भी इसमें है गिवन है, ह्यूमन बायोलॉजी है, संस्कृत है, साहित्य दर्शन है, सोशल रिसर्च है, क्लिनिकल है, और उसके बाद आपको योगा थेरेपी में मिल रहा है, कम्युनिकेशन में है, संस्कृत ग्रामर में है, ट्रैवल टूरिज्म, और ये आप देखेंगे तो सारे एजुकेशन सब ये आपका काइंड ऑफ नेचुरोपैथी ऑल्टरनेटिव थेरेपी सब सारे कोर्सेज का ये आपको एक काइंड ऑफ डिटेल मिल जाएगा। तो आप नेक्स्ट कोर्स देखेंगे तो इसमें नेक्स्ट कोर्स आता है स्ट्रक्चर ऑफ बीएससी ऑनर्स बायोलॉजिकल साइंस अंडर सीबीसीएस। इस कोर्स जो आता है वो आता है बीएससी ऑनर्स का बायोलॉजिकल साइंस अंडर सीबीसीएस। तो इसमें हम देखेंगे सारे बायोलॉजिकल से रिलेटेड आपके, बायो से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड आपके हैं, मेटाबॉलिज्म, माइक्रोबायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, केमिस्ट्री और इकोलॉजी आपका, देन ड्रग डिस्कवरी डेवलपमेंट, बायो मटीरियल्स, नैनो साइंस, मेडिसिनल बोटानी, देन बायो फर्टिलाइजर्स, ह्यूमन वैल्यूज एंड एथिक्स भी एक कोर्स ये रखा है इसमें कि आपको एक ओवरऑल व्यू मिल जाए, बायो मटीरियल्स, नैनो साइंस, इंडस्ट्रियल कम्युनिकेशन, माइक्रोबायोलॉजी। तो इसमें सारे आपको इसके रिलेटेड आपको साइंस से रिलेटेड ये प्योर साइंस का रिलेटेड ये आपका सब्जेक्ट है बीएससी ऑनर्स इन बायोलॉजिकल साइंस, जो कि एक नया कोर्स है। तो आप देख सकते हैं इसमें इंग्लिश कम्युनिकेशन है, इन्वायरमेंटल साइंस है, इसमें इवन योगा एंड आयुर्वेदा का भी आपको एक पार्ट दे रखा है। तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा कोर्स है जो साइंस में आगे परस्यू करना चाहते हैं। देन हमारा आता है नेक्स्ट बीए ऑनर्स इन फिलोसफी। तो उसमें आपको फिलोसफी में आपको सारा जो हमारे 6 दर्शन है उनका एक आपको ओवरव्यू मिलेगा, संस्कृत के बारे में आपको जानने को मिलेगा, योग दर्शन होगा, सांख्य दर्शन है, मीमांसा वैशेषिक और आपका न्याय वैशेषिक, मीमांसा और आपका ये वेद वैश्य है दर्शन। तो ये सारे आपको दर्शन देखने को उसमें पढ़ने को मिलेंगे। देन उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है
आपका बीए इन व्याकरण शास्त्री, जो हम संस्कृत व्याकरण का, तो उसमें आप देखेंगे संस्कृत के सारे कोर्सेज हैं, संस्कृत साहित्य है, संस्कृत व्याकरण है, संस्कृत आपका सारे लेवल्स वाइज है, 1, 2, 3, 4 till 6th level, तो आपको सारे इसमें साहित्य और वैदिक टेक्स्ट जो है हमारे ओल्ड टेक्स्ट है उसके, उन टेक्स्ट के बारे में आपको सबको जानने के लिए मिलेगा। साथ ही साथ आप देखेंगे कि इंग्लिश कम्युनिकेशन जो सब्जेक्ट है वो सब में काफ़ी कॉमन है, बिकॉज आपको जब भी आप किसी इंडस्ट्रियल फील्ड में जाते हैं या कॉपरेटिव फील्ड में जाते हैं, तो आपको वहाँ पे इंग्लिश की एक नेसेसिटी होती है, तो इंग्लिश को आपको इन्हांस करने के लिए ये कोर्सेज डाले गए हैं। तो आप देखेंगे नेक्स्ट आता है आपका फिजिकल एजुकेशन में बैचलर्स इन फिजिकल एजुकेशन, तो आप इसमें देखेंगे इलेक्टिव कोर्सेज हैं बहुत सारे, इसमें स्पोर्ट्स का आपको मिलेगा, आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में देखने को मिलेगा, वॉलीबॉल कबड्डी, इसमें सारे आपका ये 3 साल का कोर्स है आपका, तो इसमें सारे आपको कोर्सेज के बारे में आपको सारा जानने को और उसके बारे में मिलेगा। इसमें आपको ऑप्शन मिलेंगे कि आप कौन से कोर्स आप सिलेक्ट कर सकते हैं, क्रिकेट, हैंडबॉल, टाइकॉन्डो एंड वेट बॉल, फुटबॉल, देन उसके बाद इसमें सारे आपके बैलेंसिंग बीम्स भी आ जाते हैं, आपके अलग डिफरेंट आपके रेमेडियल्स भी आ जाते हैं, इवन आपको मैसाजेस के बारे में, योगा थेरेपी के बारे में भी आपको साथ साथ बताते रहेंगे कि आप हाउ विथ फिजिकल एजुकेशन यू कैन गिव योगा एंड यू कैन इंट्रोड्यूस मेथड्स ऑफ टीचिंग ऑफ योगा एंड दिस, तो आपके सारे गेम्स और इन सब के बारे में एक ओवरव्यू है। फिर आपके उसके बाद इसमें करने के बाद आपको 6 semester तक आपके ये सब होते हैं, आपको ट्रैक्स पे, इसमें ये बात बहुत अच्छी है कि आपको सिर्फ थियोरिटिकल नॉलेज तो आपको दी ही जाती है, आपको ट्रैक्स पे भी बहुत नॉलेज दी जाती है, कि मतलब आपको ऑन फील्ड आपको वो सारा खिलवाते हैं गेम्स आपको सारे, आपको मोस्टली इसमें क्या होता है आपका थियोरिटिकल कम और आपका फिजिकल एजुकेशन पे ज़्यादा आपको ध्यान दिया जाता है। अब आते हैं हमारे डिप्लोमा के जो 1 year के जैसे कोर्सेज हैं, जो कि पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा में नहीं आते बट सिंपल डिप्लोमा में आते हैं, तो ये आपका हिंदुस्तानी भारतीय म्यूजिक में आता है ये आपका कोर्स, तो इसमें आपका सारा आप देखेंगे कि आपका थियोरिटिकल ऑफ वोकल्स एंड इंस्ट्रूमेंटल प्लस प्रैक्टिकल ऑफ वोकल्स एंड इंस्ट्रूमेंटल आर गिवन, तो आप ये मत समझिए कि सिर्फ आपको गाना बजाना उस पर सिखाएंगे, इंस्ट्रूमेंट्स पे सिखाएंगे, आपको वोकल्स पे भी आपको प्रैक्टिस करवाएंगे, उसके थ्योरिटिकल बताएंगे, इंस्ट्रूमेंट्स की भी आपको थ्योरी बताएंगे कि डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स एंड हाउ टू यूज़ देम, हाउ टू प्ले देम, एंड ये सारा आप यूज़ करके उसमें बता सकते हैं। देन उसके बाद आपका आता है ब्रिज कोर्स, जो कि 1 साल का कोर्स होता है ब्रिज कोर्स, तो उसमें आप देख सकते हैं संस्कृत में ये है ब्रिज कोर्स, जिसमें आपको संस्कृत का बहुत बेसिक्स बताएंगे, व्याकरण, जैसे आप अगर इंग्लिश लैंग्वेज का आप ब्रिज कोर्स करें तो उसमें आपको क्या बताएंगे, अल्फाबेट से आपको स्टार्ट करेंगे, आपको उसकी ग्रामर के रूल्स बताएंगे, आर्टिकल्स, आपके कॉम्पोजिशन, ये सारा, फिर उसके बाद आपको कम्युनिकेट करना सिखाएंगे इंग्लिश में थोड़ा सा, तो आपको वैसे ही संस्कृत का है कि उसमें आपको व्याकरण बता रखे हैं, उसका साहित्य थोड़ा सा बता रखे हैं, उसमें आपको कम्युनिकेशन में इंग्लिश में भी बता रखा है सारा, तो ये आपका कुल मिला के 1 साल का संस्कृत कोर्स है। फिर नेक्स्ट आता है सर्टिफिकेट कोर्स, जो कि 6 months का ही होता है, तो आप देखेंगे कि भारतीय व्यायाम पद्धति एवं खेल में ये 6 months का कोर्स, जिसमें आपको सारे बायो मैकेनिक्स के, आपको जितने भी आपको हिस्टोरिकल और ट्रेडिशनल एक्सरसाइज हैं, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग कोचिंग है, तो ये आपको एक टीचर आपको एक कोच बनने में एक हेल्प करती है कोर्स, ये कि आप कोच बन सकते हैं, फंडामेंटल्स ऑफ योगा, आप योगा में थोड़ा सा आपको हेल्प दे सकते हैं अपना, तो उसमें आप प्रैक्टिकल में देखेंगे आपका इसमें योगा आता है, रिदमिक एक्सरसाइजेस आती हैं इसमें, आपकी इंडियन गेम्स भी आपको खिलाते हैं इसमें, तो इट्स अ ओवरऑल काइंड ऑफ ओवरऑल कोर्स है ये आपका, तो ये आप देखेंगे कि इसमें आपके प्रैक्टिकल्स भी करवाते हैं, इंडियन गेम्स खिलवाते हैं आपको, खो खो, गटका, मलखम्ब जो होता है, मार्शल आर्ट्स होते हैं, तो उसमें से आप कोई भी आपको 2 चुनने होते हैं, बॉयज और गर्ल्स के अलग हैं, ओलंपिक्स के भी आपको कुछ गेम्स खिलाते हैं, ट्रैक फील्ड, एथलेटिक्स और एक्सरसाइज, योगा भी होता है, तो इट्स अ काइंड ऑफ आप कह सकते हैं होलिस्टिक कोर्स, तो आप ये कह सकते हैं कि एक काइंड ऑफ होलिस्टिक कोर्स है, जिसमें सब कुछ आपका इंक्लूडेड रहता है, योगा से आपका एक्सरसाइजेस और आपका सारा हिस्ट्री और ट्रेडिशनल एक्सरसाइजेस, स्पोर्ट्स, फंडामेंटल्स, बायो मैकेनिक्स, तो ये थे आपका पूरा, आप देखा जाए तो ये थी आपकी कोर्स की डिटेल्स, आप जितने भी कोर्सेज यहाँ से पढ़ेंगे या पढ़ना चाहते हैं, आप परस्यू करना चाहते हैं, तो ये सारे कोर्स की डिटेल्स थी।